हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल कुक विद यश में स्वागत है। आज मैं बनाने वाला हूँ पेपर डोसा विद सांभर। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बस ये थोड़ा टाइम टेकिंग है। ये साउथ इंडियन डिश सबको बहुत पसंद आती है। वैसे डोसा मेरे पापा को काफी पसंद है, तो मैंने सोचा कि आज उनके लिए तो बनाना बनता ही है। और मुझे मेरे रिलेटिव्स ने भी बोला था कि डोसे की रेसिपी शेयर करो, तो लीजिए आप लोगों के लिए पेपर डोसा और सांभर की आसान रेसिपी। डोसा बनाने के लिए हमें चाहिए कोई भी चावल, बस वो बासमती ना हो, और एक कप उड़द की दाल, इसे उड़द की धोई भी बोलते हैं। ये 3 कप चावल है और हमने उड़द की धोई 1 कप लिया हुआ है। उसके साथ ही हमें चाहिए 1/2 टीस्पून मेथी दाना। मेथी के दाने से गैस नहीं बनता है, इसलिए हमें इसे जरूर डालना चाहिए। इसे भिगोने के लिए मैंने एक बोल में उड़द की धोई को पलट लिया है। मैंने इसी कप से मेजर किया है। इसमें मेथी दाना भी डाल देंगे। चावल और उड़द की धोई को 2-3 बार पानी से धोने के बाद इसे भिगो के छोड़ना है, जिससे ये अच्छी तरीके से फूल जाए। इसे हम 4 से 5 घंटे के लिए फूलने के लिए छोड़ देंगे। 4 से 5 घंटे हो चुके हैं, चावल दाल अच्छे से फूल गया है। इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है उसको हम निकाल देंगे, बाकी चावल दाल को अच्छे से पीस लेना है। ये देखिए, ये पीस लिया है। इसे हमें फर्मेंट होने के लिए 8 से 9 घंटे के लिए छोड़ देना है। मैंने इसे ओवरनाइट फर्मेंट होने के लिए रख दिया है। ये देखिए, ये बहुत अच्छे से फर्मेंट हो गया है, यानी खमीर उड़ गया है। इसके अंदर जालीदार टेक्सचर आएगा, इससे पता चलता है कि हमारा बैटर बहुत अच्छे से फर्मेंट हो गया है। ये देखिए, मैं आपको हटा के इसे दिखाता हूँ। गर्मी में ये फर्मेंट जल्दी हो जाता है। अगर थोड़ा मौसम ठंडा है तो इसके ऊपर आप एक कपड़े से ढक दीजिए, तो ये जल्दी फर्मेंट हो जाएगा। डोसे के बैटर में फर्मेंट होने के बाद ही नमक डालना चाहिए, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल रहा हूँ। आप इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। बस नमक को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। डोसा का बैटर हमें ज्यादा गाढ़ा नहीं रखना है और डोसे का बैटर साइड करेंगे। चलिए सांभर की तैयारी कर लेते हैं। सांभर बनाने के लिए हमें चाहिए कोहड़ा। कोहड़े को कद्दू भी कहते हैं। ये हमें 1 बोल चाहिए, 1 छोटा बैंगन कटा हुआ, थोड़ी सी भीगी हुई इमली, उसका मैंने पानी निकाल लिया है, 1 बारीक कटा हुआ टमाटर और 1 कुंदरू, कुंदरू ऑप्शनल है, गुड़ और थोड़े से करी पत्ते या मीठी नीम के पत्ते, नमक, हल्दी, राई या सरसों, सांभर मसाला, ये 1 बोल रहर की और मसूर की मिली हुई दाल है। आप केवल रहर की दाल, जिसे तुअर दाल भी कहते हैं, वो भी केवल ले सकते हैं। तो चलिए सांभर बनाते हैं। सांभर बनाने के लिए मैंने गैस पे कुकर चढ़ा लिया है। 1 कटोरी दाल में हम 3 कटोरी पानी डाल रहे हैं। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी भी इसमें डालेंगे। आपके पास जो भी वेज हो वो आप इसमें डाल सकते हैं। मैंने इसमें कुंदरू और टमाटर डाला है। अब मैं इसमें कोहड़ा यानी कद्दू और बैंगन भी इसमें डाल रहा हूँ। अब कुकर का ढक्कन लगा करके 2-3 सीटी बजने तक दाल पका लेंगे। जब तक दाल पक रहा है तब तक हम छौकन की तैयारी कर लेते हैं। छौकन वाले बर्तन में 2 चम्मच तेल, तेल में लाल मिर्च को तोड़ के डाल देंगे और थोड़ी सी राई डाल देंगे। राई चटकने लगी है हमारी। अब इसमें हमें करी पत्ता डालना है। बस हमारा छौकन तैयार है। 3 सीटी बज चुकी है। दाल को चेक कर लेते हैं। ये देखिए, दाल बहुत अच्छे से पक गई है और सब्जियां भी अच्छे से गल गई हैं। अब इसमें 1 गुड़ डाल देंगे। अब इसमें इमली का पानी डाल देंगे। इमली को भिगो करके उसका पानी छान करके निकाल लीजिए। अब इसमें 2 टेबल स्पून सांभर मसाला डाल देंगे। सांभर मसाला मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है
और इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है सांभर में। बस इसे मिक्स कर लेंगे। अभी मेरा सांभर थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रहा हूँ। फिर जो हमने छौकन तैयार करके रखा हुआ है वो इसमें डाल देंगे। सब कुछ अच्छे से मिक्स करके इसे एक बार फिर से गैस पर चढ़ा करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, जिससे सांभर में सारे फ्लेवर्स अच्छे से आ जाएं। सांभर मेरा रेडी हो गया है, चलिए डोसा बनाते हैं। डोसा बनाने के लिए हमें एक पुराने तावे की जरूरत है। हमें नॉनस्टिक तवा जो नया नया आता है या कोई भी नए तावे पे डोसा नहीं बनाना है। नए तावे पे डोसा अच्छा नहीं बनेगा और वो क्रिस्पी भी नहीं होगा। तवे को हाई फ्लेम पे ही रखेंगे। तवे पे थोड़ा सा पानी का छींटा मारेंगे जिससे तवे का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। अब फ्लेम हमें सिम कर देना है। तवे पर बैटर डालने से पहले तेल का यूज नहीं करना है। अब बैटर को किसी कलछुल या कटोरी की मदद से बीच से फैलाते हुए बाहर की तरफ जाना है। आप देखिए कुछ इस तरह। अब फ्लेम को मीडियम कर देंगे। ये थोड़ा पकने लगा है इसलिए अब हम इसमें तेल डालेंगे। डोसा हम पेपर डोसा बना रहे हैं इसलिए हम इसमें मसाला नहीं डालेंगे। आप इसे अगर मसाला डोसा बना रहे हैं तो आप इसमें आलू वाला मसाला बना के भी डाल सकते हैं। आप इसे ध्यान से देखते जाइए, देखिए मेरा डोसा कैसे कलर चेंज कर रहा है और ये बहुत ही कुरकुरा बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। तावे से देखिए डोसा कितने आसानी से अलग हो जा रहा है। इसका मतलब मेरा डोसा बहुत ही क्रिस्पी बहुत ही टेस्टी बना है। ये देखिए डोसा कितना क्रिस्पी हो गया है, इसीलिए मुझे पलटने में बहुत दिक्कत आ रही है। अब बस इसे प्लेट में सर्व कर लेंगे। ये देखिए मेरा सांभर कितना अच्छा कितना टेस्टी लग रहा है देखने में। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है तो ये खाने में भी काफी टेस्टी होगा। मैं इसे रेस्टोरेंट स्टाइल में सर्व करने वाला हूँ। डोसे के साथ मैं नारियल की चटनी सर्व कर रहा हूँ। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। डोसे को सर्व करने के लिए इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। आप भी बनाइए इस मजेदार डिश को जो सबको बहुत पसंद आती है। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिससे वो भी इसका लुत्फ उठा सके। आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, मैंने उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। आपसे मैं फिर मिलूंगा अपनी अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।